18वीं लोकसभा का सत्र शुरू होने के साथ ही विजयी रहे सांसदों को गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। विजयी सांसदों के शपथ के साथ सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात ये रही कि उत्तर प्रदेश से एक ऐसा नेता रहे जो शपथ नहीं ले पाए। ये नेता वो हैं जिनका पूरा परिवार लोकसभा चुनाव के दौरान चर्चाओं में रहा और प्रदेश में पूर्वांचल की सियासत में इस परिवार का अहम हिस्सा माना जाता रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अफजाल अंसारी की। समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को शपथ नहीं दिलाई गई। दरअसल वो कानूनी पेच में फंस गए और सदन का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो अखिलेश यादव के बगल वाली रो में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। अफजाल अंसारी की शपथ न लेने की असल वजह जो सामने आ रही है वो है गैंगस्टर एक्ट में चल रहा उनके ऊपर केस। जानकारी के लिए बता दें कि अफजाल अंसारी को गैंगस्टर के एक केस में 4 साल की सजा सुनाई गई थी। इस आदेश के कारण उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई थी। अफजाल अंसारी ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की लेकिन वहां से राहत नहीं मिली। इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश से अफजाल की सदस्यता तो वापस करा दी लेकिन कुछ पाबंदियां भी लगा दी। इसमें कहा गया कि अफजाल अंसारी सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकते। कोर्ट के इसी आदेश को आधार बनाकर लोकसभा सचिवालय ने अफजाल को नए सदन में शपथ के लिए नहीं बुलाया। इसी के आधार पर उन्हें स्पीकर के चुनाव के लिए अयोग्य भी ठहराया गया। बीते मंगलवार को यूपी से चुने गए तमाम सांसदों ने पद की शपथ ली। अफजाल अंसारी भी आए थे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की व्याख्या के लिए कानूनी कार्रवाई करेंगे। बता दें कि अफजाल अंसारी दूसरी बार गाजीपुर सीट से चुनाव जीते हैं। वे इस बार सपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे और बीजेपी के पारसनाथ राय को 1,24,861 वोटों से चुनाव हराया है। इससे पहले साल 2019 में अफजाल अंसारी ने बसपा के टिकट पर जीत दर्ज की थी। उन्होंने 2019 में बीजेपी के मनोज सिन्हा को हराया था। अफजाल के भाई माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद गाजीपुर में पहली बार लोकसभा चुनाव हुआ है। गाजीपुर के साथ पड़ोस के बलिया, मऊ, आजमगढ़ और वाराणसी जिले में भी अंसारी परिवार का प्रभाव माना जाता है।